हेलो एवरीवन, जय श्री गणेश। कैसे हैं आप सब लोग? मैं बहुत अच्छी हूँ और आशा करती हूँ आप सब लोग भी बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे और आपकी लाइफ में जो भी सिचुएशन चल रही है उसे आप बहुत ही अच्छे तरीके से हैंडल कर रहे होंगे। चलिए आज की रीडिंग देखते हैं। आज की रीडिंग है उनकी करंट फीलिंग, उनकी करंट एनर्जी, यू वर्सेस देम। आपकी एनर्जी क्या चल रही है, उनकी एनर्जी क्या चल रही है, आप दोनों के बीच में क्या सिचुएशन है और क्या हो सकता है, ये सारी चीज़ें हम कार्ड्स के थ्रू आज रीड करेंगे। मैं आपको बता दूं कि ये एक जनरल और कलेक्टिव रीडिंग है, तो कुछ बातें आपके साथ रिजोनेट कर सकती हैं, कुछ बातें आपके साथ रिजोनेट नहीं कर सकती। जो बातें रिजोनेट करें उन्हें एक्सेप्ट कीजिए, जो ना करें उन्हें एक्सेप्ट मत कीजिए। तो चलिए प्रभु का नाम लेकर, हम ईश्वर का नाम लेकर, ईश्वर को याद करके आज की रीडिंग शुरू करते हैं। माँ जैसा प्रेम चाहिए उन्हें आपसे, उनको अपने माँ से इतना प्रेम है कि वो आप में भी उनकी झलक ढूंढते हैं। दिक्कत यही है, हो रही है, आप सर्वगुण संपन्न होकर भी हमेशा खुद को सर्वगुण हो ये साबित करने में लगे रहते हो। जो भी आप दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है उससे वो थक से गए हैं, वो स्पेस चाहते हैं, अपनी खोई हुई ऊर्जा फिर से पाना चाहते हैं, उन्हें वक्त चाहिए। वो कहीं पीसफुल जगह ट्रेवल भी कर सकते हैं, उन्हें अपने मन को काम करना है। उनके जीवन से पीस चली गई है जब से वो आपसे दूर हुए हैं। वो आपको बहुत प्यार से रखते अगर आप उनकी हर बात में हाँ करते। वो स्वभाव से बहुत केयरिंग एंड लविंग है, पर उन्हें लगता है वो जो बोलते हैं वही सही है। आपको अपने मन की बात सुननी चाहिए, वो अपने ईगो और अपने नेचर से मजबूर हैं, उनके पास वो विजडम नहीं जो अभी आपके पास है। आपको अपने भीतर की आवाज़ सुननी चाहिए, आप जितने मजबूत अंदर से होगे उतनी स्ट्रांग आपकी एनर्जी होगी और आप अट्रैक्टिव होगे। आपके पर्सन डिप्रेस नहीं रह सकते और ना वो आपको कम्प्लीटली भूल सकते हैं। वो आपको स्टॉक जरूर करेंगे, चीज़ें सॉल्व करने की भी कोशिश करेंगे और जब आपको पावरफुल और कंटेंट देखेंगे तो आपसे अट्रैक्ट भी होंगे। आप दोनों के बीच चीज़ें ठीक हो सकती है अगर आप स्ट्रांग रहो, क्योंकि रिश्ता किसी एक के विजडम फुली वर्क करने से चलता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।